वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है और जब डिलीवरी बॉय आता है यहाँ पर और वो आते ही आपके फ़ोन को एक्सचेंज करने से मना कर देता है या आपसे कहता है कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इसका, तो इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर आपका फ़ोन जो है यहाँ पर एकदम ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है और तब भी वो एक्सचेंज करने से मना करता है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपना फ़ोन एक्सचेंज कर सकते हैं, तो मैं यही सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि हमारा फ़ोन जो है एकदम ओके था, कोई भी दिक्कत नहीं थी यहाँ पर, तब भी डिलीवरी बॉय आया और यहाँ पे उसने एक्सचेंज नहीं किया और यहाँ पे वो आने के बाद भी जो है आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहा था, 2,000-3,000 इस तरीके से बताते हैं कि हमारी वैल्यू एकदम कम कर देता है फ़ोन की और यहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मांगता है कि आपको 500 रुपये 1,000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो क्या ये चीज़ सही है कि डिलीवरी बॉय आता है तो यहाँ पे उसको पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और जो एक्सचेंज नहीं करते हैं आपका फ़ोन ओके होने के बाद भी, तो आप इसमें ऐसे में क्या कर सकते हैं, तो मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसका सोल्यूशन कि कैसे आप अपने फोन को यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के साथ में अगर आपका फोन यहाँ पे ओके है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से फोन एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इसके लिए मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा फोन स्क्रैच है, डेंट है और स्क्रीन ब्रोकन है, तो ये सब फोन एक्सचेंज होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसके रिकॉर्डिंग जो है मैंने फ्लिपकार्ट में कॉल करी थी और कॉल करके मैंने मालूम किया फ्लिपकार्ट से कि यहाँ पे कौन कौन से फोन है जो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाते हैं, तो मैं आपको जो है उसमें उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाला हूँ इस वीडियो में कि कौन कौन से फोन यहाँ पे एक्सचेंज हो जाते हैं। तो आप बने रहना इस वीडियो पे और वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ जो मैंने फ्लिपकार्ट में यहाँ पे बात करी थी कि कौन कौन से फ़ोन यहाँ पे एक्सचेंज हो जाते हैं और डिलीवरी बॉय जब आता है तो उसको हमें पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए और किस तरीके से वो जो है यहाँ पर हमारे फ़ोन की वैल्यू बताता है चेक करके। तो चलिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम खुशी है, फ्लिपकार्ट से कॉल कर रही हूं। आपकी सबसे क्या सहायता कर सकती हूं? जी मैम, मुझे कुछ पूछना था आपसे। जो फ्लिपकार्ट में जो एक्सचेंज होता है, जी ये जो फ्लिपकार्ट में जो मोबाइल एक्सचेंज होता है वो किस तरीके से होता है, मतलब उसमें जो प्राइस दिखाते हैं वही प्राइस मिलता है या कुछ और प्राइस मिलता है? जी देखिए, वो आपको एस्टिमेटेड प्राइस शो होता है, ठीक है, आपके मॉडल के ऊपर और आपके इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ना जी, के ऊपर आपको एस्टिमेटेड प्राइस शो होता है। उसके बाद जब विश मास्टर आते हैं आपके पेज पे और वो जब उसकी ना जब वो उसकी वैल्यू करते हैं और वो जब उसको चेक करते हैं तो फिर आपको फाइनल प्राइस जो है वो बताया जाता है। मतलब वो किस तरीके से हमें चेक करके बताते हैं, वो फोन को चेक करके बताते हैं या उनके पास कोई एप्लीकेशन होती है या सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो फिलअप करते हैं इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल, देखिए उनके पास सारे डिटेल्स रहते हैं कि उनको क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिन पे उनको चेक करना है। अच्छा, ठीक है, तो वो फिर आते हैं, फिर वो चेक करते हैं जो भी डेंट्स है फोन में और उसके हिसाब से फाइनल प्राइस जो है फिर वो आपको बताएंगे। अच्छा, तो उसके बाद वो हमें फाइनल प्राइस बताते हैं, उसके बाद एक्सचेंज होगा। तो क्या मैडम ये भी है कि फोन जो हमारा जैसे कि मान लीजिए स्क्रीन टूटी हुई है, जैसे ब्रोकन है स्क्रीन, तो वो फोन भी चेंज हो जाते हैं या सिर्फ सही जो फोन होते हैं वही चेंज होते हैं? चेंज हो जाते हैं, हाँ जी, आपके ब्रोकन फोन है मतलब वर्किंग होना चाहिए और अगर डेंट्स है उसमें, क्रैक है, ये सब है, तो उसके लिए जो है अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, मतलब ये है कि फोन वर्क ऑन होना चाहिए और जो है क्या कहते हैं इसमें आपका चाहे फोन की स्क्रीन टूटी हुई हो या डेंट हो पर एक्सचेंज हो जाएगा, सिर्फ फोन ऑन होना चाहिए, वर्क करना चाहिए, ठीक है ना मैम? ये कहना चाह रही हूँ। और एक चीज मुझे और पूछनी थी मैडम आपसे कि जब डिलीवरी मतलब जो डिलीवरी बॉय आता है तो वो मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारी प्राइस फ्लिपकार्ट पे शो करता है कि 9,000 दिखा रहा है हमारे फोन का, पर जब डिलीवरी बॉय आके चेक करता है या मान लीजिए वो कहता है कि नहीं 9,000 नहीं मिलेगी आपको, जो 8,000 मिलेगी आपके फोन की प्राइस, ठीक है, तो वो जो प्राइस है उसका जो मतलब जो भी हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है मान लीजिए, तो वो क्या मतलब कुछ स्लिप देते हैं या कुछ ऐसा देते हैं वो, मतलब उसे मानना चाहिए? वो आपको स्लिप नहीं देंगे जी, नहीं, वो आपको स्लिप नहीं देंगे, लेकिन उसके लिए ना जो अपडेटेड इनवॉइस है उसमें आपको आपका प्राइस जो है कि आपका कितना प्राइस आपका टैक्स यानी कि जो भी एक्सचेंज प्रोडक्ट है ना जी, का जो भी फाइनल प्राइस आपने पे किया है वो आपको अपडेटेड इनवॉइस में शो हो जाएगा। अच्छा, आप उन्हें पे कर दीजिएगा और जो भी अपडेटेड इनवॉइस है आप एक बार फ्लिपकार्ट माई ऑर्डर सेक्शन पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप कॉल बैक रिक्वेस्ट भेज करके अपना अपडेटेड इनवॉइस अपने ईमेल आईडी पे भी ले सकते हैं और वहाँ पे चेक कर सकते हैं।
और अगर वो मेंशन नहीं है वो प्राइस, तो फिर आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो उसके लिए कंप्लेन भी रेज होगा। अच्छा, मतलब कि मतलब हैंड टू हैंड नहीं देते हैं वो डिलीवरी बॉय, पर हमें जो है अपडेटेड इनवॉइस मिलती है आप लोगों की तरफ से कॉल करने के बाद में। जी आप चाहे तो आप माय ऑर्डर सेक्शन पे जाके ना इनवॉइस डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको भी ऑप्शन आती है, या फिर आप एक कॉल बैक रिक्वेस्ट रेज करके भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा होता है ना कि आप तो जो प्राइस शो करते हैं उसके हिसाब से हमें मतलब इनवॉइस सेंड करते होंगे, पर यहाँ पे जब डिलीवरी बॉय आने के बाद वो चेक करता होगा फोन, और उसके बाद जो प्राइस उसमें से वो बताता है कि नहीं आपको और पे करना पड़ेगा इसका, तो उसके लिए इनवॉइस तो आप दोबारा सेंड करेंगे ना बनाकर, मतलब वो हाथों हाथ तो कोई स्लिप देता नहीं पैसा रिसीव करने का। हाँ जी, अब इनवॉइस आपको सेंड होगा। अच्छा, चलिए। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है मैम, क्योंकि मैंने एक दो फोन एक्सचेंज करवाए मतलब किए हैं, भेजे हैं मैंने एक्सचेंज करने के लिए, पर जब डिलीवरी बॉय आते हैं ना तो वो चेक करते हैं, चेक करने के बाद ये कहने लगते हैं अरे इसमें डेंट है, स्क्रीन टूटी हुई है, और जो है इसका ये काम नहीं कर रहा, तो एक्सचेंज ही नहीं होगा, मतलब बिल्कुल ही मना कर देते हैं। तो उस चीज के लिए कुछ मतलब है, ये कंप्लेन कर सकते हैं हम, या ऐसा कुछ है फ्लिपकार्ट में? बिल्कुल, अगर विश्वास जो है वो भी सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी पॉलिसीज बताई जा रही है अगर उस तरीके से वो वर्क नहीं कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन रजिस्टर होता है। अच्छा, चलिए ठीक है मैम, थैंक यू, मुझे नई बात पता चली, क्योंकि ऐसा बहुत जगह होता है और बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है कि डिलीवरी बॉय आने के बाद एकदम स्टाफ मना ही कर देते हैं कि एकदम एक्सचेंज ही नहीं होगा इस चक, और वो फोन ही नहीं लेते, मतलब वर्किंग अच्छी कंडीशन में भी फोन होता है, हल्का फुल्का हल्का सा डेंट भी होता है ना, तो वो एक्सचेंज करने के लिए एकदम मना ही कर देते हैं बिल्कुल। तो उनके लिए कंप्लेन करने के लिए आप मतलब फ्लिपकार्ट में कॉल करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं भी माफी चाहूंगी, आपके साथ ऐसे इश्यूज आए हैं, लेकिन आप कभी भी अगर विश्वास से इस तरीके से करते हैं ना, क्योंकि देखिए आपको तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वहाँ पे मेंशन रहता है ना, बिल्कुल डिनाई तो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप कंप्लेन जरूर रजिस्टर करवाइएगा, ताकि सर्विसेज और एक्सपीरियंसेस जो है फ्लिपकार्ट की वो बेटर किए जा सके। अच्छा अच्छा, ओके मैडम, ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप बताने के लिए। ठीक है मैम, मैं नेक्स्ट टाइम से करूंगा। ठीक है मैम, शुक्रिया। बिल्कुल, क्या कोई और इश्यू है जिसे मैं सहायता कर सकूं? नहीं मैम, और कोई इशू तो नहीं है, मुझे बस यही पूछना था, क्योंकि मेरे साथ ज्यादातर यही होता है कि मतलब कस्टमर आते हैं, वो डिलीवरी बॉय आते हैं और वो साफ मना करते हैं, और फोन अच्छी खासी कंडीशन में भी होता है, हल्का फुल्का डेंट भी होता है, तो वो जो है एकदम साफ मना ही कर देते हैं कि नहीं एक्सचेंज ही नहीं होगा, इसमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है, इस तरीके से यही पूछना था मुझे। तो नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको जो है कंप्लेन करता हूँ फ्लिपकार्ट में। ठीक, बिल्कुल, थैंक यू मैम। जैसे कि आपने यहाँ पे सुना कि फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय जब आता है, अगर वो आपका फोन ओके होने के बाद भी यहाँ पे एक्सचेंज नहीं करता है, तो आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? यहाँ पे अगर आपका जो फोन ब्रोकन है, या मान लीजिए कैमरा खराब है, या डिसकलर हो रहा है, या बैक पैनल खराब है आपका, तो भी यहाँ पे फोन जो है आपका एक्सचेंज हो जाएगा, और किस तरीके से वो आपकी वैल्यू यहाँ पर निकाल कर देगा, ये भी हमने इस ऑडियो में सुना कॉल में, कि किस तरीके से वो आपकी वैल्यू यहाँ पर निकाल के देता है फोन की, अगर आपका फोन यहाँ पे स्क्रीन ब्रोकन होता है या कैमरा वैमरा खराब होता है यहाँ पर। तो अगर वो एक्सचेंज करने से मना कर देता है, जैसे कि आपने इस कॉल में सुना कि अगर वो एक्सचेंज करने से मना कर देता है, तो आप फ्लिपकार्ट में कॉल करके भी यहाँ पर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं कि मेरा फोन यहाँ पर ओके था, पर इन्होंने यहाँ पे एक्सचेंज नहीं किया। पर यहाँ पे एक चीज साफ है कि अगर आपके फोन का कैमरा खराब है या स्क्रीन ब्रोकन है, तो यहाँ पे आपका फोन एक्सचेंज हो जाएगा, भले ही आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू पे करनी पड़ेगी आपके एक्सचेंज के टाइम में, पर यहाँ पे जो भी वैल्यू निकलेगी फ्लिपकार्ट की तरफ से वो आपको यहाँ पर देगा और यहाँ पे एक्सचेंज करेगा। तो फ्रेंड, यही था आज का वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको जरूर हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपका फोन एक्सचेंज नहीं होता है तो आप फ्लिपकार्ट में यहाँ पे उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे आपका फोन एक्सचेंज जरूर होगा, और मैंने यहाँ पे जितने भी फोन अभी तक एक्सचेंज किए हैं तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई है एक्सचेंज करने में, भले ही मुझे यहाँ पे पेड करना पड़ा है, पर मेरा फोन जो है यहाँ पे एक्सचेंज हो गया है। तो अगर वो एक्सचेंज नहीं करता है तो आप यहाँ पे उसको कंप्लेन कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।